के चलते एक व्यक्ति को चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल करने की घटना मंगलवार की रात करीब रात 10 बजे जरीपटका थाना क्षेत्र से सामने आई है। मामले में शामिल 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 आरोपी अभी भी फरार है। जानकारी के अनुसार पांचपौली निवासी गौरव दशरथ अंबाड़े उम्र 30 वर्ष अपने दोस्त बंटी चौरे के साथ मोटरसाइकिल से लश्करी बाग जा रहा था। इसी दौरान आरोपी टीटू उर्फ आदन तीर्थराज साखरे ने चिल्लाकर गौरव को बुलाया। जब गौरव टीटू के पास गया तो उसने पुरानी रंजिश के चलते गौरव से गाली गलौज की। इसी बीच 19 वर्षीय आरोपी सुरजल तीर्थराज साखरे, 50 वर्षीय तीर्थराज जीवन सकरे, आरोपी आर्यन उइके और लकी निषाद ने गौरव को मारने और धमकाने की साजिश रची। आरोपी आर्यन उइके ने पास में रखे चाकू से गौरव के शरीर व कमर पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अन्य 2 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। दिनांक 2/5/2023 रोजी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास जरीपटका पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये इसम राण गौरव दशरथ अंबादे वय 30 वर्ष राहणार लष्करी बाग व त्याचा मित्र बिंटू चौरे राहणार इंदोरा असे मोटरसायकलवरून चालले होते। त्यावेळी त्यांची जुन्या भांडणाच्या वादातून आहान कीर्तराज साखरे वय 24 वर्ष, सुजल कीर्तराज साखरे वय 19 वर्ष व त्यांचे वडील तीर्थराज जीवन साखरे व 49 वर्ष तिन्ही राहणार इंदोरा, तसेच 2 अल्पवयीन मुले त्यांचे साथीदार यांच्याशी वाद झाला त्या जुन्या भांडणाच्या कारणाने। त्या वादामध्ये या 5ही इसमांनी गौरव दशरथ अंबादे यास हातामुख्याने मारहाण करून शिवीगाळ केली। त्यामध्ये अल्पवयीन मुलांनी त्याच्याजवळ धारदार चाकूने कमरेच्या खाली गौरव दशरथ अंबाडे यास मारहाण करून गंभीर जखम केली आहे। त्यास उपचार मेयो हॉस्पिटल येथे सुरू आहे। गौरव दशरथ अंबाडे याच्या तक्रारीवरून या 5ही इसमांविरुद्ध जरीपटका पोलीस ठाणे येथे भारतीय दंडविधान कलम 326, 324, 504, 506, 143, 147, 148, 149 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। 3ही आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि 2 अल्पवयीन मुलांना आज ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। यांच्यावर दखलपात्र कोणते गुन्हे आपण इथे दाखल नाही। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।